लॉकडाउन की वजह से काफी लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उस पर मात की। तो आइए हम लोग आज मिलते हैं ऐसे दो भाइयों से जिन्होंने क्लाउड किचन का एक अनोखा कॉन्सेप्ट शुरू किया। मैं उनसे मिलने के लिए काफी उत्सुक हूँ, तो आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं क्लाउड किचन के बारे में। तो ये कॉन्सेप्ट के बारे में आप बताएंगे, ये कॉन्सेप्ट क्या है? क्लाउड किचन? हाँ, क्लाउड किचन मतलब ओनली पार्सल लेते हैं हम लोग, उसमें डाइनिंग नहीं रहता है। ओके। ओनली फ्री होम डिलीवरी रहता है। ओके। ये आप, मैंने सुना कि आप ग्रैंड हयात में शेफ भी थे। हाँ, ग्रैंड हयात में था, उसके बाद मैं कॉफी बाय दी बेला में था शेफ, और अभी लॉकडाउन होने से पहले दिल्ली लीथ में सिलेक्शन हुआ था। तो सही है, तो आपको कॉन्टिनेंटल सारे डिशेस आते होंगे ना? हाँ, हम लोग अभी पास्ता, पिज्ज़ा, बर्गर, बिरयानी, इंडियन में बिरयानी भी देते और फ्राइज वगैरह। हमने स्टार्ट किया था थोड़ा, मतलब फ्राइज, शोरमा, इस सब से स्टार्ट किया था, थोड़े थोड़े डिशेस ऐड करने लगे हम लोग। हाँ। और बढ़ाते गए बिजनेस को। वाह। और स्पाइस एंड हर्ब फेमस है डाइट एंड सलाड के लिए। हाँ। तो आप ये बताएंगे कि डाइट एंड सलाड क्या क्या कॉन्सेप्ट है वो? भाई आपको बताएगा। ओके। हाय हाय। हाँ, तो डाइट और सलाड में मतलब वो लोग का जैसा रिक्वायरमेंट रहता है, जिम ट्रेनर का, वैसे जिम करते वो लोग का, तो उस हिसाब से हम लोग दे देते हैं। ओके। किसी को चाहिए रहेगा 200 ग्राम चिकन, तो उसके साथ हम लोग सलाड भी देते हैं, उसमें लेट्यूस, ब्रोकली, ऑलिव्स, ये सब रहता है। और चाहे तो डाइट भी लिख के देते हैं। डाइट कैसे लिख के देते हैं आप? डाइट मेरी वाइफ है। हाँ। जो डाइटिशियन प्लस न्यूट्रिशियन में अपना सब्जेक्ट पढ़ाती है सोमया कॉलेज में, सो डाइट वो मेरे को लिख के देती है, फिर मैं वो हिसाब से दे देता हूँ। तो वाह, ये तो पूरा कॉम्बो मिल रहा है यहाँ पे। तो अभी हम लोग कौन सी डिश बना रहे हैं? अब हम लोग बना रहे हैं वेज बर्गर और सलाद बना रहे हैं एक। ये तो काफी डिलीशियस लग रहा है, मैं काफी एक्साइटेड हूँ, चलो शुरू करते हैं। चलो। तो हम लोग अभी जा रहे हैं सलाद डिलीवरी करने। तो ये हर बार ऑर्डर आप ही डिलीवर करते हो? हाँ, फिलहाल तो अभी मैं ही कर रहा हूँ। हाँ, अभी 3 महीना हो गया। ओके। तो ऑर्डर मैं ही डिलीवर कर रहा हूँ। ओके। तो ये ऑर्डर डेली का रहता है मेरा। हाँ। कैलाश कॉम्प्लेक्स का। ओके। तो पहले डिलीवरी बॉयज थे ना? पहले 2 डिलीवरी बॉयज थे। हाँ। बाद में एक जन था, वो होटल मैनेजमेंट ही कर रहा था एक्चुअली, वो सीखने के लिए आया था। हाँ। प्लस डिलीवरी भी करता था। हाँ। लेकिन उसका कॉलेज चालू हो गया, तो फिर बाद में बोला कि मैं नहीं आ सकता। मैंने बोला ठीक है, फिर मैं कर दूँगा। ओके। तो कभी ट्रैफिक की वजह से लेट ऑर्डर हो जाती है? होती है हमेशा। हाँ। मतलब एक प्रॉब्लम तो ट्रैफिक से आता ही है मेरे, शाम के इवनिंग के टाइम पे मोस्टली। हाँ। तो ट्रैफिक की वजह से 15-20 मिनट लेट, क्योंकि एक ऑर्डर लेट हो गया ना तो दूसरा ऑर्डर भी ऑब्वियसली लेट होना ही है, तो पूरा दिन लेट होता है। Okay. अभी ये ऑर्डर मेरा 15 मिनट लेट हो गया, तो पीछे का ऑर्डर है वो भी ऑफकोर्स 20 मिनट लेट हो जाएगा। तो फाइनली हम लोगों ने डिलीवर कर दिया है, बहुत मज़ा आया। तो आपकी इस बिजनेस में शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत हम लोग ने लास्ट ईयर लॉकडाउन में किया था, 2020 11 जुलाई। तो बेसिकली मैं बाहर से आने वाला था, मैं जॉब के लिए बाहर रहता हूँ, तो मेरा भाई 3 महीने से जॉब में नहीं था, तो मैं जब आने का पीरियड था 7-14 दिन, तो एक ऐसा चालू था हम लोग का, मेरा वाइफ का कुछ ना कुछ बिजनेस चालू करते, उसके हाथ में स्किल ही था, तो चलो ठीक है मैं आया 11 जुलाई से। हम लोग ने पहला मैं आया 7 दिन क्वारंटाइन था,
फिर घर पे भी 7 दिन क्वारंटाइन यहाँ पे रहना पड़ा। तो उस टाइम पे हम लोग ने सब डिश है हम लोग ने ट्राई किया, मतलब ए डिश रखने का कि नहीं, ये डिश रखने का कि नहीं, तो हम लोग ने ट्रायल किया, एक टेस्ट बोलते ना, टेस्ट भी करके देखा। तो 7 दिन में हम लोग ने सब कर दिया। फिर 11 जुलाई से हम लोग ने ऑर्डर लेना चालू किया, इंस्टाग्राम पे अकाउंट ओपन करके। फिर थोड़ा थोड़ा दिन में पब्लिक का डिमांड आने लगा शोरमा, फिर मोमो से, तो मेन्यूज में वैसे ऐड करते गए, बाद में मेन्यूज बनाया सब वैसा, मतलब सब कस्टमर्स के ऊपर, हम लोग ने कस्टमर्स आपको क्या चाहिए क्या चाहिए वैसा करके मेन्यूज फिर डेवलप किया। और आपकी पूरी फैमिली हेल्प करती है, तो मतलब ये आप यहाँ घर ये फ्लोर पे रहते हो, नीचे किचन है, अमेजिंग। और ये चाट आई कैची गई है, चाट के बारे में चाट ये हम लोग होटल में भी रखते हैं, मतलब यहाँ पे कैसा रहता है, ये 6 मतलब आज का डेट है, लेकिन यहाँ पे जो रहेगा वो कल का, मतलब सेल रहेगा, ओके, मतलब कल जो हुआ हो, और बाकी का जो रहेगा वो डेली का ऑर्डर्स रहेगा, ओके, ये वीकली बेसिस, मतलब मैंने कितना सेल किया, मेरा भी पिज्जा मैंने रिसेंटली लॉन्च किया, तो कितना मूविंग है, क्या कितना जा रहा है, ओके, तो हिसाब से काउंट रखना पड़ता है। फिर जो मूविंग आइटम है वो मेरे को, मतलब वैसा मेरे को लाने के लिए स्टॉक पर लेके आने के लिए, मतलब ये मूविंग हो रहा है, जो कम रख रहा है उसका मैं फिर स्टॉक कम कर देने का, उस हिसाब से ये सब काउंट होता है। यहाँ पे एडवांस ऑर्डर जो भी अगले पहले दिन ऑर्डर देता है तो वैसा ही लिख के रखते हैं हम लोग, सुपर वे। अगर इस पे सेल्स के ऊपर कुछ मतलब कम ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पे लिख के रखने का, आज सेल कम हुआ तो कल ज्यादा कर देंगे। एक्सपीरियंस मजेदार रहा, आज हमने बेजिल पेस्टो पास्ता ट्राई किया, डीलक्स पिज्जा ट्राई किया, थैंक यू सो मच। ये दोनों भाई बहुत ही टैलेंटेड है और बहुत ही अच्छा स्टार्टअप रन कर रहे हैं। आपका क्लाउड किचन के कॉन्सेप्ट के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू। इफ यू वांट टू ऑर्डर दिस अमेजिंग फूड प्लीज फॉलो देयर इंस्टाग्राम आईडी एंड यस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।